जब प्रोजेक्ट चालू किया था तभी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, और जैसे ही मेरा शूट वगैरह स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोग इधर उधर मतलब उनकी मर्ज़ी से काम करने लग गए, तो जो एक्चुअली मैं चाहता था वो हो नहीं पाई चीज़ें। फिर जैसे ही स्नेहल भाई को मैंने बताया कि हाँ भाई मेरा ऐसा ऐसा कंसेप्ट था और ये सारी चीज़ें हो गई है, तो उन्होंने सारे बंदों के इंटरव्यू लिए, सबसे बात की, और जो भी बंदे नेगेटिव थे, जो भी बंदे मेरे को डोमिनेट कर रहे थे, सबको हटा के मेरे को अपनी क्रिएटिविटी से काम करने दिया। और फिर जिस तरीके का मैं प्रोजेक्ट चाहता था उस तरीके का बन गया, वरना पहले उन लोग के साथ मैं काम करता तो ये बन नहीं पाता था।